हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहां भी होंगे दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ड्रीम टीम में कैसे आप यूनिक टीम बना सकते हो। दोस्तों फर्स्ट रैंक कौन लोग लाते हैं? जो ड्रीम इलेवन से सबसे यूनिक टीम बनाता है वही ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक लाता है। करोड़ों में से एक टीम जो होती है वो सबसे यूनिक होती है, वही ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक लाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरी कल का प्रेडिक्शन देख सकते हो और कल का आप मेरी लाइव प्रूफ देख सकते हैं मैं कैसे ड्रीम इलेवन में विनर होता हूं। उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं ड्रीम इलेवन में आपको जीएल टीम बनाने से आपको कैसे यूनिक टीम बना सकते हैं। आज मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस में आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं आप लोग क्या गलतियां करते हो। तो सबसे पहले जब आप विकेट कीपर में प्लेयर को सेलेक्ट करते हो तो मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग 80% वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद 90% वाले बैटमैन में उठा लेते हैं और 87% 64% जितने प्लेयर 80% 90% उठाए रहते हैं उनको आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेते हो। अच्छी बात है आप अपने टीम में सेलेक्ट करते ले, लेकिन दोस्तों आपको एक बात को ध्यान देना है। अभी मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के ड्रीम इलेवन में आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूं और देख सकते हैं जो 90% 80% लोग उठाए रहते हैं जो उनका प्रेडिक्शन रहता है बहुत खराब हो जाता है। अभी देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है मैं आपको टीम बना के बताता हूं कि कैसे आप ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम बना सकते हो। अभी आप देखें देख सकते हैं विकेट कीपर में अभी देख सकते हैं मोहम्मद रिजवान को 82% लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके जगह ईशान किशन को 60% लोगों ने कैप्टन बना के रखा हुआ है। अब दोस्तों यही मैं आपको इसमें दिखा देता हूं तो आपको देखने यहां पर दिखेगा कि विकेट कीपर में 80% लोगों को उठा लेते हैं। आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, आपको कम परसेंटेज पर आपको प्लेयर सेलेक्ट करना है। यानी दोस्तों आपको मैं दिखा दूं यहां पर देख सकते हैं विकेट कीपर में आपको सबसे अच्छा प्लेयर आपको ईशान किशन होने वाले हैं। आपको ईशान किशन को अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है बैटर में, तो बैटर में आपको यहां पर देखेगा कि 85% 76% 77% को आपको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना। अभी आप देख सकते हैं सबसे आसान तरीका जो 36% 30% लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है उनको आप ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप इनको भी अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना है। सुमन गिल का परसेंटेज देखेंगे 47% है। आपको पता कि ड्रीम इलेवन चेंजर यही करते हैं, हमेशा यही टीम में यूनिक बनाते हैं तो आप इनको अपने प्लेयर में सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि शेयर सैयर को कोई नहीं सेलेक्ट करता है, जो कम परसेंट रहता है उनको कोई नहीं सेलेक्ट करता है। तो चलिए इनको मैं अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपके यहां पर दिखेगा जो मैं आपको बताऊँ वह ट्रिक, वो देख सकते हैं 90% बैट्समैन में 87% 64% 25% आपको ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करना है। अब जाना है यहां पर ऑलराउंडर में उन प्लेयर को सेलेक्ट करना है जो आपको बैटर से और आपको बॉलिंग से पॉइंट देते हैं, उनको आपको अपने टीम में सेलेक्ट करना है। आपको इस बात को ध्यान देना है। अब देख सकते हैं ऑलराउंडर में आपको 80% वालों को सेलेक्ट कर लेना है या आपको बॉलर में आपको 75% 90% सभी लोग प्लेयर में सेलेक्ट रहते हैं उन प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छा पॉइंट देने वाला है। मुझे लगता है यह प्लेयर मुझे आज सक्सेस बना देगा, मेरे को ड्रीम इलेवन फर्स्ट रैंक ला देगा, उनको आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना है। अब इधर दुख तो आपको मैं बता दूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैप्टन एंड वाइस किसको बनाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग क्या होता है कि बैटमैन को 90% वालों को कैप्टन बना देते हैं, इधर आप देख सकते हैं 90% वालों को बॉलर को कैप्टन बना देते हैं। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप टीम बनाने से पहले आपको इसी ट्रिक को यूज करना है। तो चलिए मैं टीम बना देता हूं, इधर मैं के राहुल और मोहम्मद रिजवान को अपने टीम में सेलेक्ट करता हूं। अब सबसे आसान 56% 76% को मैं विराट कोहली को ड्रॉप करके जा रहा हूं, मैं 76% वालों को नहीं सेलेक्ट करता हूं, सबसे कम परसेंट वालों को। उसके बाद ऑलराउंडर में जाना 80% रविंद्र जडेजा को सेलेक्ट करके आया। अच्छी बात 80% लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा 3 विकेट 4 विकेट हमेशा लेते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर लेना। हार्दिक पांड्या भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और यश खान भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मैं अभी नहीं सेलेक्ट करता हूं। और यश अफरीदी और यश रॉफ, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और यम नैम को अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों आप जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हैं विराट कोहली को मैं आपको दिखा दूं, रविंद्र जडेजा को, सुरेश शर्मा को 10% लोगों ने कैप्टन बना के रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं सबसे परसेंटेज पर किसको सेलेक्ट किया गया है, अभी दोस्तों सबसे ज्यादा परसेंटेज पर विराट कोहली को सेलेक्ट किया गया है। मैं उनको अपने टीम से ड्रॉप करके जा रहा हूं, क्यों? ये ड्रीम इलेवन में यूनिक टीम बनेगा, अगर वो आउट हो गए तो आपका ड्रीम टीम रैंक कर जाएगा क्योंकि उनको आपको प्लेयर में नहीं था और वो कैप्टन बहुत सारे लोग बना कर जा रहे हैं तो आप उनको अपने टीम में ड्रॉप करके जाना है। अब दोस्तों क्या करना है कि पिछले मैच में देख सकते यन शाह ने 3 विकेट लिया था और वो कैप्टन का काम कर दिए थे और देख सकते 0.96% लोगों ने इनको कैप्टन बना के रखा हुआ है।
अब यही ट्रिक आपको कैप्टन में काम करेगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 20% वालों को आपको कैप्टन बना के जाना है और 25% को आपको वाइस कैप्टन बना के जाना है। 100% आपका ड्रीम इलेवन रैंक करेगा, इस तरह से आपका ड्रीम इलेवन रैंक करता है। तो आप क्या करना है, 20% 25% वालों को ऑलराउंडर में, 32% वालों को आपको कैप्टन बना के जाना है, 100% आपका ड्रीम इलेवन रैंक करेगा। और यही ट्रिक होता है ड्रीम इलेवन में, यूनिक टीम इसी तरह से बनता है। और आप देखते मेरी प्रूफ देखते बहुत सारे लोग विनिंग करते हैं, तो जल्दी से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे और वहां से आपको विनिंग का प्रूफ मैं आपको देता रहता हूं और आप भी विनिंग करिए। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।